नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एंटरटेन फॉर यू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निरहुआ जी के भाई परवेश लाल यादव की पहली फिल्म के बारे में। दोस्तों, परवेश लाल यादव आज भोजपुरी के सफल सिंगर, सफल एक्टर और सफल प्रोड्यूसर है। इन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए हैं जो कि इनकी सुपर हिट हुई है, और इन्होंने काफ़ी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, जैसे कि निरहुआ, हिंदुस्तानी और बॉर्डर। इन फिल्मों को इन्होंने ही प्रोड्यूस किया था जो कि बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। और एज ए एक्टर के रूप में इन्होंने घूंघट में घोटाला, हीरो और टाइगर जैसी बेहतरीन सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इन्होंने अपने भाई निरहुआ जी के साथ आज के कर्ण अर्जुन परिवार और राम लखन जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। तो चलिए बात करते हैं इनकी पहली फिल्म के बारे में। दोस्तों, परवेश लाल यादव जी की जो पहली फिल्म थी, उस फिल्म का नाम है चलनी के चालल दुल्हा। इस फिल्म में नज़र आए थे परवेश लाल यादव और सुभी शर्मा। ये इन दोनों की ही पहली फिल्म थी। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 13 मार्च 2009 को, और इस फिल्म में कैमियो करते हुए नज़र आए थे इनके भाई निरहुआ और पाखी हेंगड़े। दोस्तों, ये फिल्म दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।